तो गाइस रीमार्केटिंग कैंपेन्स क्या चीज होती है? रीमार्केटिंग कैंपेन्स का मतलब होता है जिसने भी आपके वेबसाइट को विजिट किया है उस बंदे को रिकॉल के लिए वापस एड दिखाते रहो। तो रीमार्केटिंग कैंपेन्स कैसे सेट किए जाते हैं, महिंद्रा का एग्जाम्पल लिया था हमने यहाँ पे, मैं महिंद्रा का ही एग्जाम्पल लेके चलूंगा। जैसे आप लोग यहाँ पे कैंपेन्स रन कर रहे हो महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और जो भी लोग आपके वेबसाइट महिंद्रा स्कॉर्पियो के पेज को विजिट करता है उन लोगों को आपको वापस एड्स दिखानी है। तो ये केस में कैसे आप लोग रिमार्केटिंग कैंपेन सेट करते हो वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप लोगों को रिमार्केटिंग कैंपेन सेट करने के लिए यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल कर लोगे, ये जैसे ये महिंद्रा स्कॉर्पियो का पेज, आपका महिंद्रा स्कॉर्पियो का पेज ओपन कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो का पेज ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रॉल डाउन, ये पेज आपका जिसने भी आपके इस पेज को विजिट किया है वहां से ही आप वापस उसको बंदे को आपका एड दिखाना चाहते हो रिकॉल के लिए, तो आप लोगों को सबसे पहले एक ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है। गूगल को आपको बताना पड़ता है क्या कौन से पेज के विजिटर्स को क्या दिखा है, तो फिर वो ऑडियंस लिस्ट आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ये आप लोगों की कैंपेन्स के टैब पे आते हो आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को टूल्स का ऑप्शन मिलता है, टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरी करके एक ऑप्शन होता है। शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर करके एक चीज होती है, ऑडियंस मैनेजर में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए थे कुछ पेजेस, लेकिन ये दोनों पेजेस मैं भी डिलीट करता हूँ और वापस आपको दिखाता हूँ। अभी एक काम करो, ये देख रहे हो आप लोग ये ऑडियंस मैनेजर के टैब पे आप लोग आते हो। ऑडियंस मैनेजर के टैब पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखता है, प्लस पे आप लोगों को बोलना है वेबसाइट विजिटर्स। रीमार्केटिंग के कैंपेन्स के लिए लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। जिसने भी आपके वेबसाइट को, आपने देखा होगा ना ये कि आप कोई भी वेबसाइट पे जब विजिट करते हो उसके बाद में बार बार आपको उनका एड दिखता है, तो वो कैसे किया जाता है? तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये पेज ले लेंगे हम लोग। पहले गूगल को बताना होता है आप लोगों को कौन से पेज पे क्या दिखाना है। अब यहाँ पे आता हूं मैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिख देता हूं महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो। हाँ हेलो पेज विजिटर्स, हेलो। हाँ देखा 20 करें जितना, बोल ठीक है, था 15 मिनट था हमारे सेशन, सब कर तो था 15 मिनट, हो स्क्रीनशॉट सेंड कर तो, हो ठीक, हो कर तो था मतलब। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो पेज विजिटर्स लिख दिया, स्क्रॉल करने के बाद में वेब पेज विजिट रिफाइन एक्शन पेज यूआरएल कंटेंट नहीं पेज यूआरएल इक्वल्स टू बोल दीजिए, और यहाँ पे आके आप लोग आपके पेज को ऐड कीजिए। ये देखिए पेज मैंने ऐड कर दिया। स्क्रॉल करने के बाद में क्रिएट सेगमेंट, मतलब अभी आपका ऑडियंस का लिस्ट आपने गूगल को बताया कि इस पेज को जिसने भी विजिट किया इस पेज को हमारे, उसको रीमार्केटिंग के कैंपेन के थ्रू नया एड दिखा, जैसे बुक नाउ या फिर बुक अ टेस्ट ड्राइव या कुछ डिस्काउंट का एड दिखाना है आपको उस बंदे को जिसने ऑलरेडी वेबसाइट को विजिट किया। तो ये लिस्ट मैंने क्रिएट किया। अब आप लोगों को यहाँ पे गूगल एक कोड देता है, वो कोड आपको आपके वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है, वो कोड के थ्रू रीमार्केटिंग काम करता है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो ना यहाँ पे आपको योर डेटा सोर्सेज का ऑप्शन दिखता है, योर डेटा सोर्सेज में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे गूगल एड्स टैग का ऑप्शन दिखता है, जिसमें मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ, डिटेल पे क्लिक किया, डिटेल पे क्लिक करने के बाद मैं स्क्रोल करता हूँ यहाँ पे टैग सेटअप का ऑप्शन दिख रहा है, टैग सेटअप पे क्लिक कर लिया, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, और यहाँ पे आप लोगों को ये कोड मिलेगा, ये कोड आप लोग कॉपी करके आपके डेवलपर को दे दीजिए। ये कोड मैंने पेस्ट कर लिया, आप एक कोड पेस्ट करने के लिए ये कोड पूरा कॉपी कर लिया, ये कोड हम लोग हमारे डेवलपर को देते हैं और बोलते हैं इस कोड को कहाँ पे ऐड करो,
हेड सेक्शन जो होता है वेबसाइट का, उसमें आपको ये कोड ऐड करना पड़ता है। ये कोड जब तक आप लोग ऐड नहीं करते हो तब तक आपका रीमार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट नहीं होता है। तो ये कोड एक बार आपने ऐड कर लिया, उसके बाद आप लोगों का ये कोड ऐड हो गया एक बार वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक मिनट ऐड हो गया। अब जाइए आप लोगों के कैंपेन्स के टैब पे, कैंपेन्स में आप लोग यहाँ पे आके कैंपेन पे क्लिक करोगे। कैंपेन पे आने के बाद अब मैं एक नया कैंपेन क्रिएट करूंगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो रीमार्केटिंग कैंपेन, न्यू कैंपेन। चूज योर ऑब्जेक्टिव, इसमें यहाँ पे अवेयरनेस का ही रखना है। अवेयरनेस मान लीजिए वीडियो एड्स दिखानी है मुझे उन लोगों को वापस, वीडियो एड यहाँ पे आगे बढ़ो, वीडियो व्यूज कंटिन्यू। यहाँ पे अगर आप देखते हो कैंपेन का नाम लिखता हूं मैं, जैसे यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो री मार्केटिंग, कैंपेन टारगेट कॉस्ट भी, कॉस्ट पर सीपीवी, यहाँ पे बजट टोटल डाल देता हूँ कैंपेन का 50,000 रुपीज। यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट ऐड करता हूँ, एंड डेट 31st। स्क्रोल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का लोकेशन जो भी आपको ऐड करना है वो स्क्रोल करोगे। स्क्रोल करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे एड ग्रुप का नाम दे देता हूँ रीमार्केटिंग। अब आप लोगों को ये आगे जो एड क्रिएट करोगे, मान लीजिए टेस्ट ड्राइव कार्ड, ये उनको दिखाना है जिन्होंने वेबसाइट को ऑलरेडी विजिट किया है, इस पेज को जिन्होंने ऑलरेडी विजिट किया है। तो इस पेज का ऑडियंस हमने क्रिएट करके रखा है, तो उस ऑडियंस को एड दिखाने के लिए यहाँ पे आप ऑडियंस सेगमेंट का सेक्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे। ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आता है, ब्राउज पे क्लिक किया। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में हाउ दे हैव इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस, इस पे आओगे आप लोग, और वेबसाइट विजिटर्स दिख रहा है आपको ऑप्शन, उस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा। देखो महिंद्रा स्कॉर्पियो पेज विजिटर्स, ये सारे वो लोग होंगे जिन्होंने इस पेज को विजिट किया है। गूगल के आदमी की कुकीज सेव हो जाती है वो कोड ऐड करने के बाद में, और उन लोगों को अब आप लोग यहां से सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हो। सिलेक्ट कर लिया ऑडियंस, आगे बढ़ते हो और आगे आप लोगों का अब यहाँ पे वीडियो ऐड आप लोग ऐड करोगे, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये ऐड है आपको, मान लीजिए ये ऐड सेलेक्ट कर लिया मैंने वीडियो ऐड। अब यहाँ पे आप लोगों का वीडियो सेलेक्ट हो चुका है, फाइनल यूआरएल में आप लोगों का लैंडिंग पेज दे दोगे आप लोग। मान लीजिए टेस्ट ड्राइव के लिए आपने सेपरेट पेज बनाया, तो टेस्ट ड्राइव के लिए सेपरेट पेज आप लोग ऐड करोगे, ये ऐड कर दिया यहाँ पे फाइनल यूआरएल, कॉल टू एक्शन जैसे रुकना टेक अ टेस्ट ड्राइव, बुक अ टेस्ट ड्राइव। महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, बुक योर टेस्ट राइड, बुक योर टेस्ट राइड, नहीं बैठ रहा इतना। लॉन्ग हेडलाइन महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, डिस्क्रिप्शन कोई भी डिस्क्रिप्शन ले लो, ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका एड रेडी हो चुका है। ये देखिए आपका एड, अगर YouTube पे प्रीव्यू करता हूँ तो एड आप लोगों को दिखेगा, ये इस तरीके का आपका एड आ रहा है। रहा है क्या? स्कॉर्पियो न्यू टेस्ट राइड अवेलेबल, बुक नाउ। और इस पे क्लिक करके आप लोग आपके टेस्ट ड्राइव के पेज पे लेके जा सकते हो। वहां से बंदा टेस्ट ड्राइव बुक करेगा, ये ऐड उनको ही दिखेगा जिन्होंने पहले इस पेज को विजिट किया था। तो आप लोगों को रीमार्केटिंग में पहले गूगल को बताना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट के पेज को विजिट करने वाले बंदे को क्या दिखा। तो पहले वो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप लोग आ जाते हो आपके कैंपेन में, यहाँ पे कहाँ पे टूल्स में, शेयर्ड लाइब्रेरी में, कहाँ पे होता है ऑप्शन टूल्स में, शेयर्ड लाइब्रेरी
ऑडियंस मैनेजर का ऑप्शन आता है जिसमें पहले आप लोग पेजेस क्रिएट करते हो, पेजेस मतलब ऑडियंस क्रिएट करते हो और फिर उस ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो आपके कैंपेन में। तो एक करके देख सकते हो क्या आप हताशी, एक ऑडियंस क्रिएट करके देखो जमता है क्या, बताओ। हाँ ओके सर। जैसे ये महिंद्रा स्कॉर्पियो, मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल ही देता हूँ, आप लोग इमेजिका वाटर पार्क के लिए कैंपेन रन करो, इमेजिका के लिए रन करो, इमेजिका के 3 ऑडियंस क्रिएट करके दिखाओ मुझे, इमेजिका वाटर पार्क का एक दिखाओ ऑडियंस क्रिएट करके, इमेजिका वाटर पार्क के बाद में इमेजिका स्नो पार्क जो होता है वो स्नो पार्क भी नाम किया पे, स्नो पार्क वाटर पार्क थीम पार्क है ना, तो आप मुझे 3 ऑडियंस का लिस्ट ऑडियंस मैनेजर में क्रिएट करके देखिए। थीम पार्क का लिंक भी कॉपी कर लिया, ये देखिए लिंक कॉपी किया पेस्ट, और तीसरा है यूनिक एक्सपीरियंस स्नो पार्क, ये तीनों लिंक्स यहाँ पे रखी है मैंने, और तीनों लिंक्स मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके अकाउंट में जाके आप यहाँ पे एक ऑडियंस मैनेजर का लिस्ट क्रिएट करके दिखाइए। देखो यस सर। मैंने आपको ग्रुप में भी, और वो कोड भी मुझे निकाल के दिखाई, जो रिमार्केटिंग का कोड होता है ना वो भी कैसे मिलता है दिखाइए। तो चलो यस आपका स्क्रीन शेयर कीजिए। यस सर। ऑडियंस क्रिएट करना है आप, हाँ टूल्स ऑडियंस क्रिएट करने के लिए कहाँ पे टूल्स, और शेयर लाइब्रेरी, ऑडियंस यस वेरी मैनेजर, गुड, ऑडियंस मैनेजर के बाद वेबसाइट, पहले कोड निकाल रहे हो क्या, कोड कहाँ पे होता है, वेरी कोड, डेटा सोर्सेज मिलता है, गुड, डेटा सोर्सेज। यस ऊपर ऊपर ही था गूगल टैग का ऑप्शन, ऊपर जाइए स्क्रॉल एक सेकंड ना। अप, हाँ 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 योर डिटेल्स वेरी गुड, डिटेल्स स्क्रोल डाउन, वेरी गुड, यस ये नीचे 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 स्क्रोल डाउन, यहाँ पे आपका कोड है, क्लिक कीजिए और वो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल एक ए, सेकंड। यस वेरी गुड, ये कोड पहले वेबसाइट पे ऐड करना पड़ेगा, डेवलपर को दे दो सीधा ये कोड और उसको बोलो ऐड करने के लिए। अभी ये कोड नोटपैड में पेस्ट करो और मुझे वो तीनों यूआरएल्स के ऑडियंस क्रिएट करके दिखाओ। यस मेरा डिस्काउंट डिस्काउंट सा बस, मैजिक का क्या था वो, स्नो पार्क। आपने ऑडियंस क्रिएट किया क्या पहले वो बताइए, अरे ओ नो नो वेट वेट सॉरी फिर सॉरी ऑडियंस क्रिएट नहीं किया तो ऑडियंस दिखेगा कैसे कैंपेन में। हाँ माय बैड सॉरी। ये लेफ्ट साइड से क्लोज कर दो, एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो कॉप ऊपर क्लोज का ऑप्शन है, पहले आपको ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा तो ही तो कैंपेन में दिखेगा, वरना दिखेगा हाँ नहीं। यस यस सॉरी। हाँ एनी ऑडियंस ब्राउज बिजनेस है नहीं ना, ऑप्शन दिख रहा है कहाँ पे, नहीं है। वेबसाइट नहीं है क्योंकि आपका आपका ऑडियंस क्रिएट ही नहीं, हाँ आप भी जाइए, हाँ लिखिए ना ऑडियंस मैनेजर, क्लिक कीजिए उधर, हाँ क्लिक
ये राइट पे प्लस है ना, प्लस ऑप्शन, ये हाँ तो उधर नहीं रही, उधर नहीं, इधर ही। हाँ ऑडियंस मैंने ब्लू कलर का बटन प्लस। हाँ सॉरी ओके हाँ वेबसाइट विजिट प्रोसीड्स नाम लिखो, थीम पार्क पेज विजिटर्स, वाटर पार्क पेज विजिटर्स, स्नो पार्क पेज विजिटर्स, जो भी है। पेज विजिट प्लीज मैं शब्द लगा उचित प्लीज रिफाइन एक्शन नहीं, उधर कुछ नहीं, रिफाइन एक्शन लिखा है ना राइट साइड में, कहाँ पे सो रिफाइन वहां पे। हाँ इक्वल्स इन पेज यूआरएल स्नो पार्क वाले ये ऊपर देखो कौन सा लिखा ऊपर स्नो पाक ही है ना, हाँ ऊपर ये आ गया इसका नाम क्या दिया ऊपर जाइए सॉरी ना। हाँ स्नो, हाँ ठीक है चलो, क्रिएट। क्लियर सेगमेंट ओके प्लस तीनों ऑडियंस क्रिएट कर लो, अभी तीनों सॉरी अच्छा पेज की ऑडियंस क्रिएट कर लो, स्नो पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क। अच्छा ओके सॉरी अब वो ये दिखाई नहीं दे रहा है मुझे आई एम नॉट एबल टू सी द चैट वाटर पार्क का लिंक है ना वहां पे, देखो थीम पार्क का भी लिंक है, वाटर पार्क पे जाकर राइट क्लिक कीजिए सर। हाँ गॉट इट वो पार्क थीम पार्क गॉट इट स्नो पार्क का साथ तो ये हो गया है सिर्फ थीम पार्क ओके वाटर पार्क ओके ये yes। चलो अभी दो ऑडियंस क्रिएट हो गए ना, अभी आपके कैंपेन पे जाइए वापस और कंटिन्यू कीजिए कैंपेन। तीन हो गया है फिर से कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा नहीं, फिर इधर एक मिनट रिफ्रेश होता है कि क्लोज करो ये सब, ये वही मत करो क्लोज करो, ये ऑडियंस का लिस्ट क्लोज करो, ऑडियंस का लिस्ट रिफ्रेश करोगे तो। अच्छा ठीक है कैंपेन का नाम क्यों दे रहे हैं इमेज का? अभी आपको इमेज का कि आपने दो पेजेस क्रिएट किए, थीम पार्क और वाटर पार्क वाटर ना। पार्क और स्नो पार्क हाँ वाटर पार्क और स्नो पार्क, तो कैंपेन अभी किसके लिए रन करना है आपको, वापस ऐड किसको दिखानी, जिससे वाटर पार्क के पेज को विजिट किया उसको मान लीजिए डिस्काउंट वाली ऐड दिखानी, तो इमेजिक का वाटर पार्क रीमार्केटिंग लिखो, इमेजिक का वाटर पार्क रीमार्केटिंग कैंपेन। स्ट्रेटेजी टारगेट्स भी बजट डाल दो कुछ भी, 10,000 20,000। इसमें कुछ नहीं करना ना सर नेटवर्क्स ऐसे वैसे नहीं कुछ नहीं ठीक होगा, है रिलायंस एडिशनल सेटिंग्स क्रिएट ओके ऐड ग्रुप नेम नहीं ऑडियंस सेगमेंट यस ओके आ गए क्या, समझ में आ रहा है अभी? यस सर यस हाँ ये वाटर अभी पार्क ही किया था ना हाँ सिलेक्ट किया, अभी आगे जाके आपको कौन सा ऐड क्रिएट करना है वो करो, वाटर पार्क का आपको जो ऐड दिखाना है सामने वाले बंदे को वो ऐड कॉपी क्रिएट करो, डिस्काउंट दिखाना है क्या दिखाना है, देखिए बढ़िया आगे।
ये वाला ना। हाँ, अभी मैजिक का क्या वीडियो आर दिखाना है, जिसको मान लीजिए जिसने वेबसाइट को विजिट किया था, हम लोग नहीं किया, जैसे अभी अभी फॉर एग्जाम्पल सॉरी सॉरी, हमने, एक सेकंड ना, वन सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। and we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project, and she is looking pretty tired, Jill. एड में लिख दिया फाइनल। डिस्काउंट, अवेलेबल डिस्काउंट, डिस्काउंट किट में ऐसा एड बनाई जिन्होंने विजिट किया था. यस सर। लाइक अपन वो कर रहे हैं ना कि जिसने भी लाइक जैसे मान लो कि अपन को किसी ने अपनी एड पे क्लिक किया एंड वी आर सपोज टू अपन को उनको वो एड वापस अपन को दिखाना है, तो अपन रीमार्केटिंग कर रहे हैं राइट. यस, सो पीपल हु हैव विजिट अवर वेबसाइट एंड यू नो इसके लिए अपने एक ऑडियंस वी आर सेगमेंट कॉलिंग देम टू टेक एक्शन ऑन देम विजिटिंग अ वेबसाइट। सो इट्स अ रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी तो फॉर एक पीपल हु हैव ऑलरेडी विजिटेड अ वेबसाइट, दे आर नॉट फर्स्ट टाइम विजिटर्स। यस यस सही बोला आपने. अभी आपको हिताशी मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, दे आर नॉट विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दे हैव ऑलरेडी विजिटेड योर वेबसाइट, दे नो व्हाट यू पीपल आर प्रोवाइडिंग. उनको अर्जेंसी क्रिएट करने के जैसे आपको दिखाना है कि बुक नाउ टिकट्स, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, और वैसे आपको कन्वर्ट करना है, उसके लिए रीमार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं. समझ में आ रहा है अभी? यस सर। हाँ सो अभी सब यूआरएल, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब दिया है। सो नाउ बिड कैंपेन तो ऑलरेडी ऊपर सीपीवी डाला है कितना उसमें। देना है आपको, कॉस्ट पर व्यू कितना देना है. देखिए कॉस्ट पर व्यू अभी पहली बार आप जब कैंपेन क्रिएट करो ना, किसी को भी पता नहीं होता है कॉस्ट पर व्यू कितना जाएगा. अंदाजा डाल दो 2 रुपए 3 रुपए एक व्यू के लिए अभी के लिए, और 2 3 दिन के में कैंपेन्स का डेटा आना शुरू होता है ना, तब आपको अंदाजा आ जाता है. 2 रुपए दिया आपने लेकिन आपको गूगल 70 पैसे ही चार्ज कर रहा है. आप 2 रुपए दोगे मतलब गूगल 2 रुपए नहीं लेगा, जो बिडिंग में चल रहा है ना ऑप्शन में उतना ही रेट गूगल लेता है. ओके, हाँ ये थोड़ा बिडिंग का थोड़ा कंफ्यूज होता है एक्चुअली, बिकॉज़ आई एम नॉट बिडिंग श्योर का कि ध्यान में कितना लीजिए, डिफरेंस। बिडिंग में किसी को भी अंदाजा नहीं होता है इनिशियल स्टेज में. आपको सबको ये बोलना चाहता हूं मैं कि व्हेन यू स्टार्ट रनिंग कैंपेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन पुट एनी बिड 50 रुपए एक क्लिक के पीछे, या कॉस्ट प्रीव्यू में आपको 2 रुपए दे सकते हो, और कैंपेन को 3 4 दिन रन होने दीजिए. कैंपेन 3 4 दिन आपका रन हुआ ना, उसके बाद में आपको डैशबोर्ड में दिखता है कि कितने में एक व्यू जा रहा है, कितने में एक क्लिक जा रही है. ऐसे 15 20 दिन रन करोगे ना तो एक एवरेज आपको अंदाजा आ जाता है कि अच्छा मुझे कॉस्ट पर व्यू 70 पैसे में एक व्यू जाता है, मुझे 40 रुपए में एक क्लिक जाता है. और फिर उसके बाद वो डेटा देख के आप लोग आगे के बजट प्लान कर सकते हो, इस तरीके से होता है. मैं आपको और एक बजट कैसे प्लान करता है वो भी बताऊंगा अभी. नोट ये सर। कैंपेन होने दीजिए, उसके बाद में बजट प्लानिंग कैसे किया जाता है वो दिखाऊंगा. ओके सर, तो अभी के लिए आज सब कुछ हो गया। सो आई जस्ट यस क्रिएट द यस यू प्लान। कैन क्रिएट द कैंपेन और लीव, यू कैन लीव इट. मैं आपका स्क्रीन स्टॉप कीजिए, मैं आपको हाउ टू प्लान अ बजट आई विल शो यू. ओके सर।
So guys, many people ask me this question, like whenever we are running campaigns on Google, so how do you plan? Like this can be used for anything. Like you can use the same formula for Facebook, LinkedIn, YouTube, Google Ads, anything. So yahan pe, how to plan a budget? How to plan a budget? Let's take this Excel sheet. I'll open this one. हाँ, so देखिए अभी यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ. सो गाइस लेट्स टेक दिस. आई एम रनिंग अ कैंपेन ओवर हियर फॉर माय ओन इंस्टीट्यूट. सो यहाँ पे दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स. क्लिक्स, क्लिक्स के बाद एवरेज सीपीसी. एवरेज सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक. दिस इज द टोटल कॉस्ट यू हैव स्पेंड फॉर द कैंपेन. यहाँ पे नंबर ऑफ लीड्स आई गॉट थ्रू दैट कैंपेन. यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन आई गॉट थ्रू दिस कैंपेन. So, अब मैंने कैंपेन रन करना शुरू किया. मैंने 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कैंपेन रन किया था. और 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक के कैंपेन में मेरा टोटल क्लिक्स आया था करीब करीब. हाँ, मेरा पर डे का बजट था कुछ 1500 रुपीज एंड द एवरेज सीपीसी विच आई वॉज गेटिंग वॉज 56 रुपीज 50 पैसे में मुझे एक क्लिक आ रहा था सर्च पे. ये कौन सा नेटवर्क पे मैं रन कर रहा था? सर्च एड्स रन कर रहा था. तो 56 रुपीज. और मैंने सर्च एड्स क्यों रन किया? बिकॉज आई वॉन्टेड टू रीच अप टू द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस. जो लोग खुद होकर डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस सर्च करें उनके सामने मुझे पहुंचना था. तो सर्च कहाँ पे करता है? गूगल पे. गूगल पे सर्च करते तो मुझे सर्च एड्स में एड दिखाना था. तो मैंने सर्च एड्स रन करना शुरू किया जहां पे मुझे एक क्लिक 56 पे आ रही थी. टोटल मुझे ऐसे 1 महीने भर में आ गई करीब करीब 425 क्लिक्स. एक क्लिक 56 में आई. टोटल कॉस्ट कितना आया? कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 425 × 56.5. हाँ, एंटर करता हूं तो ये टोटल मेरा कॉस्ट चला गया कैंपेन को. हाँ, इतना पैसा मेरा चला गया. अब इतना पैसा स्पेंड हो गया 24,012 रुपीज. अब इसमें से मुझे लीड्स कितनी आई है? कितने लोगों ने वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया है एड में से? हाँ, इस एड में से. तो 425 में से करीब करीब मुझे यहाँ पे लीड्स आ चुके हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 48 लीड्स आई मुझे. 48 लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया था. तो यहाँ पे कॉस्ट पर लीड कितना आएगा ये मुझे खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कॉस्ट पर लीड कितना आएगा? सिंपल, मेरा टोटल स्पेंड कितना हो चुका है कैंपेन में? कॉस्ट 24,000 स्पेंड हुआ है. 24,000 स्पेंड करने के बाद लीड्स आ चुकी है 48. तो मैंने यहाँ पे 24,000 / 48 कर दिया. और एंटर करने के बाद आई कैन सी दैट मुझे एक लीड यहाँ पे करीब करीब 500 रुपये में जा चुकी है. कितने में लीड गया मुझे? 500 रुपये में एक लीड मुझे यहाँ पे गया है. अब यहाँ पे कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि ये 48 लीड्स आई, इनका मेरे पास नाम, जैसे यहाँ पे रिद्धि, रिद्धि उसका ईमेल आईडी आ गया मेरे पास, जो भी है उसका फोन नंबर आ चुका है मेरे पास, जो भी नंबर है उसका. सारे नंबर्स पे हमने कॉल्स करना शुरू कर दिया. और यहाँ पे हमारी जो सेल्स की टीम है, कॉलिंग स्टेटस 1, क्या बोली वो? हाँ, डिड नॉट पिक अप द फोन. वो सेकंड कॉल में विल अटेंड डेमो. तीसरे इसमें उसने बोला हैव ज्वाइंड अदर इंस्टीट्यूट. ठीक है, चलो ये हो गई ड्रॉप. इधर हमारा फॉलोअप बंद हो गया. तो ये दूसरी है हिताशी. हिताशी को कॉल किया. हिताशी बोली कि आई विल अटेंड डेमो. हाँ, डेमो. उसके बाद में उसने डेमो अटेंड किया है और उसने एडमिशन ले लिया. एडमिशन डन, मतलब ये कन्वर्जन होगी. हाँ, ये कन्वर्ट हो गई. तो ऐसे मैंने 48 लोगों को कॉलिंग किया, क्योंकि ये कॉलिंग का टीम अलग होता है सेल्स का. मतलब मैंने लीड जनरेट करने का काम किया, ये लीड पास करता हूं मैं सेल्स के टीम के पास. सेल्स वाली टीम ऐसे कॉलिंग स्टेटस 1, स्टेटस 2, स्टेटस 3 ऐसे लिखते जाते हैं वो. अब यहाँ पे 48 लीड्स में से 13 लोगों ने एक्चुअल में क्लास ज्वाइन किया. 13 नहीं, 9 लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लिया. कितने? 9 लोगों ने. तो यहाँ पे 9 लोगों ने क्लास ज्वाइन किया. तो कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आया मुझे? कॉस्ट पर कन्वर्जन मुझे कितना आया? 24,000. ये मेरा क्या था? स्पेंड था. 24,000 स्पेंड करने के बाद मेरे क्लास में एक्चुअल एडमिशंस कितने हो गए? 9. तो 24,000 कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस इज इक्वल टू एक कन्वर्जन मुझे कितने में आया? एक बंदे को कन्वर्ट करने के लिए मेरा पैसा चला गया यहाँ पे टोटल 2,668. ठीक है. तो ये कैंपेन 1 महीना रन करने के बाद में मुझे इस अंदाजा आ गया कि रोहित, एक स्टूडेंट लाने के लिए ऑनलाइन पे से आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है करीब करीब 2,668 रुपए एक कस्टमर का, एक स्टूडेंट का कॉस्ट होता है. तो मेरा बॉस ने बोला, रोहित अपना अभी 15 दिन के बाद में, एक या 1 महीने के बाद में 7 PM का बैच शुरू हो रहा है, मुझे तू गूगल एड से
कितने एडमिशन ला के दे, 10 एडमिशन ला के। तो 10 एडमिशन लाने के लिए मैं बजट कितना रखूंगा, मुझे कितना पैसा लगेगा। तो गाइस वेरी सिंपल हो गई है, हमें एक एडमिशन का कॉस्ट समझ में आ चुका है। एक एडमिशन होने के लिए 2,668 रुपये लग रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 10 मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे करीब करीब बॉस से 26,000 रुपये लेने पड़ेंगे। 26,700 रुपये मैं कैंपेन रन करूंगा। कैंपेन प्रॉपर रन करते वक्त कीवर्ड्स सही रखूंगा, नेगेटिव कीवर्ड्स के ऐड करूंगा। लैंडिंग पेज पे जो कस्टमर का जर्नी होता है, जैसे कोई बंदा क्लास देख रहा है, तो क्लास के वक्त हमारे अचीवमेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट, बैच टाइमिंग्स, फैकल्टी प्रोफाइल, सारा लैंडिंग पेज एकदम सही से बनूंगा। पेज का लोडिंग टाइम, मोबाइल फ्रेंडली है क्या पेज, ये सब चेक्स करने होता है। ये सब करने के बाद में वो बंदा हमारे यहाँ पे डेमो के लिए आएगा, डेमो अटेंड करेगा, उसके बाद कन्वर्जन, मतलब वो एड पे क्लिक करके आपकी क्लास तक ज्वाइन करता रहा, उसको कस्टमर का जर्नी बोलता है। तो यहाँ पे अगर मैं एड्स रन करने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि बाबा एक एडमिशन 2,600 रुपये में हो रहा है, तो मैं सिंपल 10 एडमिशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2,600 से, तो ये मेरा बजट आ जाएगा। दिस इज हाउ यू प्लान योर बजट। लेकिन बजट प्लान करने के पहले आप लोगों को पहले 1-2 महीने कैंपेन्स रन करके ये डेटा लाना पड़ता है। ये डेटा एक बार आ गया फिर आप लोगों को अंदाजा आ जाता है कि कितने में मुझे एक कन्वर्जन जा रहा है। ये कुछ समझ में आ गया हिताशी, कार्तिक जी, हर्षल जी? यस नो? यस सर। तो चलो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं। मैंने एक कैंपेन रन किया था यहाँ पे, इस कैंपेन में क्लिक्स आ चुकी है, मैंने 2 महीने रन किया, 625, हाँ एवरेज सीपीसी गया है मुझे 78 रुपीज 25 पैसा। कॉस्ट बताओगे आप लोग मुझे, नंबर ऑफ लीड्स आ चुकी है, आपको बोलता हूँ 625 में से मुझे करीब करीब 83 लीड्स आई है और उसमें से कन्वर्ट हो चुके हैं करीब करीब 16 लोग। तो मुझे आप लोग कॉस्ट, कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर कन्वर्जन बताओ, करो। कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन? चलो बताइए आंसर, कॉस्ट कितना? हेलो कॉस्ट कितना है कार्तिक जी? यस सर, हाँ कार्तिक, कॉस्ट निकला हर्षल? कार्तिक कॉस्ट यस सर, कॉस्ट निकाला क्या आपने यहाँ पे, कितना कॉस्ट आएगा? 625 क्लिक्स आई है, 78 रुपीज में एक क्लिक, तो टोटल पैसा कितना गया कैंपेन को? ये सॉल्व करके रखो आप लोग, मैं आपको ये चैट बॉक्स में भेज रहा हूं। हिताशी आंसर मिला क्या आपको? हिताशी कॉस्ट हाँ, कॉस्ट कितना है कॉस्ट? नो नो आई नीड टू डू इट।
मेरा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। कॉस्ट इज सर क्लिक्स इनटू ऐप कैसे करते हैं सर, कॉस्ट कैसे करते यस हैं, सिंपल, क्लिक्स क्लिक्स इनटू इनटू इट। आप दुकान में जाते हो कैडबरी लेने के लिए, दुकानदार बोलता है 5 रुपए की कैडबरी, 15 कैडबरी दो, 15 × 5 कर दो क्लिक्स इनटू आपको एवरेज सीपीसी। सो कितना सॉरी सॉरी 1 सेकंड। क्लिक्स कॉस्ट इनटू कितना? एवरेज सीपीसी इज 48,900, 48,000। 48,906.25 हाँ 48,906.25। चलो ठीक है, कॉस्ट तो आ गया। अभी आप लोग बताओ इतने कॉस्ट में इतनी लीड्स आई, तो 48 से इसको डिवाइड कर लो इसका आंसर आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो इसका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। 583,589.23 फाइव डिवाइडेड एटी नाइन बाय ये 589.23। 589.23। अब इसके बाद में यहाँ पे स्टॉक कन्वर्जन 4 कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर कन्वर्जन सॉरी राइट, सो 3,056.64। यस परफेक्ट, समझ में आ रहा है? तो यस अभी सर। कैसे आप लोगों को कॉस्ट पर कन्वर्जन समझ में आया? मतलब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बाबा एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3,000 लगेगी, तो फिर आप लोग बजट प्लान कर सकते हो ना, आपको टारगेट कितना दिया जाता है, आपको आपके बॉस ने बोला मुझे 100 सेल्स चाहिए, तो 100 सेल्स × 3,000 कर लो, उतना बजट ले लो सर के पास से। लेकिन आपका बॉस हमेशा आपको ये टारगेट देगा कि कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा जा रहा है, 3,000 नहीं मुझे 2,500 में कन्वर्जन चाहिए। फिर क्या करोगे? फिर क्या आप लोगों को कम से कम सीपीसी लाना पड़ेगा, 78 रुपीज का सीपीसी अगर कम हो गया तो आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन भी कम हो सकता है। फिर कॉस्ट पर क्लिक का कन्वर्जन, आपको कॉस्ट कम लाने के लिए आपका एड का जो क्वालिटी होता है, मतलब कीवर्ड को रेलेवेंट एड, मतलब कुछ कीवर्ड्स आप लोग जो गूगल को देते हो सर्च में, उस कीवर्ड्स को आप लोग एड में यूज करो, वही कीवर्ड्स को आप लैंडिंग पेज पे यूज करो। आपके एड को जितना ज्यादा क्लिक्स मिलता है उतना आपके एड का क्वालिटी बढ़ता है, और एड का क्वालिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना सीपीसी का रेट आपको कम मिलता है, ये ध्यान में रखना है आपको। यस सर। तो इस तरीके से आप लोग बजट प्लान कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेज में कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हो, आप कोई भी एक बेसिक कम बजट रखिए, आपके पास भले 50,000 रुपए, लेकिन रोज आप सिर्फ 500 500 रन करके 10 दिन देखिए कैंपेन में क्या डेटा आता है, उसके बाद में आप लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसीलिए गूगल एड्स में फ्रेशर्स को ज्यादा एंट्री नहीं मिलती है, एक्सपीरियंस लोगों को ये रीजन होता है लेने का। यस सर। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाता है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक। ओके सो विल मीट यस टुमारो एट 4 o'clock एंड विल गिव, कल एक और पेपर देना आपको सर्च डिस्प्ले कोई तो भी एक। ओके सर। थैंक यू गाइस, बाय बाय। सर बाय।